लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सॉरी ठाकुर साहब, कुंदन सिंह, जाने से पहले मैं तुझे ये बताने आया हूं कि मैंने ये इंतकाम की चादर ओढ़ ली है। ये चादर मेरे कंधों से उस दिन उतरेगी जिस दिन मैं तुझे सरेआम जलील करके हवालात के अंदर बंद करवाऊंगा। खैरिये शमशेर सिंह जी, बहुत ही अच्छा किया जो आपने ये चादर ओढ़ ली। इसका ये जो भगवा रंग है, कम से कम कुछ दिनों तक जिल्लत और रुसवाई के उन दागों को छुपाए रखेगा जो हमने आपको सरेआम दिए। इस चादर को उतार कर फेंकना नहीं, क्योंकि हम आपको ऐसी जगह मारने वाले हैं जहां कफन नसीब नहीं होता, और उस दिन यही चादर आपके काम। बड़े भैया, एसपी ने जो आपकी बेइज्जती की है उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब, हम उसके खानदान का नामो निशान मिटा देंगे, उसे जान से मार देंगे। ठाकुर साहब, आप कहें तो उसे पुलिस स्टेशन में गोली मार दें। नहीं, हमें मारना नहीं है। नहीं मारेंगे हम उसे, उसे जिंदा रखना है। मुझे अपना इंतकाम लेना है उससे, अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना है। उसे ऐसा जलील करूंगा कि अपनी ही मौत शर्म से मर जाएगा वो। बोल, किसका माल है? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह, चल। जब तक एसपी कुंदन सिंह जिंदा रहेगा ऐसा ही होगा। मुझे एसपी चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। हमने इस शेर को सर्कस के पिंजरे में लाकर बंद कर दिया है। शेर जंगली जानवरों में रहे या शहर की भेड़ बकरियों में, शेर शेर ही रहता है। मैं इसे गोली मार दूं दादू। हम इसे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, हम इसे जिंदा रखेंगे, क्योंकि ठाकुर शमशेर सिंह को जिंदा रहना है। हम इसे जीती जागती मौत देंगे, इसे तड़पा तड़पा के मारेंगे, शहर की सड़कों पर इसे जलील करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाएंगे इसे। जब तक हम ये सब कुछ ना कर ले तब तक ये जिंदा रहेगा, जिंदा। बहुत जानदार है कुंदन सिंह की जान, ये तब तक साथ नहीं छोड़ेगी
जब तक मैं तुझे मौत की नींद नहीं सुला देता। खामोश! मारो इसे, इतना मारो कि इसकी चीखों से जमीन और आसमान कांप उठे। ये पागल कुत्तों की तरह दीवारों से सर पटकता फिरे, लेकिन खबरदार, ये मरने ना पाए, ये मरने ना। मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? वो वहां है सर। मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपने आपसी मतभेदों को भूल जाइए और देश के बारे में सोचिए। आप जरा सोचिए, देश में हो क्या रहा है? ये दंगे फसाद, ये खून खराबा, ये मारपीट, और इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? हम सब। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्वार्थ और अहंकार को कुछ देर के लिए भूल जाइए। इसी में देश का भला है। अब जाके सोचिए इसके बारे में। गुड मॉर्निंग सर। कहिए सर, कैसे याद किया? ये कितने शर्म की बात है कि पुलिस महकमे का इतना बड़ा अफसर एसपी कुंदन सिंह 2 दिन से लापता है। सर, हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। तो फिर क्या, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? देखिए कमिश्नर साहब, 2 दिन के अंदर अंदर मुझे एसपी कुंदन सिंह चाहिए। यस सर। मिलेगा मुख्यमंत्री जी, जरूर मिलेगा। ठीक है, चल बे पापा। पहले तू तो डाल। हेलो यार। अरे चल रहा हूँ यार। अबे चल ना। क्या यार, पत्ता कहाँ से आएगा ये जो सर पे खड़ा है? रुक जा बच्चे, इसे तो मैं देखता हूँ। कुत्ता बोला। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुंदन साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। एसपी कुंदन सिंह, यह है ईमानदारी और वफादारी का इनाम। क्यों, कैसा लग रहा है? हाँ, थप्पड़ मारकर सस्पेंड कर दिया था मुझे। दिल्ली से आए थे गुंडागर्दी मिटाने। क्यों, हम सबको मिटाने आया था। मिटाकर तो अब भी जाऊंगा। हमें मिटाने में तुम खुद मिट जाओगे एसपी। ये मिटने मिटाने की बातें छोड़ो और अपने बारे में सोचो। हमसे हाथ मिला लो, सुखी हो जाओगे। वर्दी पहनी है तो इस वर्दी का सही इस्तेमाल भी करो। जितने नोट बना सकते हो बनाओ, बुढ़ापे में यही नोट काम आएंगे, वरना रिटायर होने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो पीतल का एक मामूली तमगा, जिसे बेचने के बाद शायद तुम एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकोगे। वाह 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 कमिश्नर साहब, कितने ऊंचे हैं आपके विचार और कितने ऊंचे हैं आप। अब हिंदुस्तान जरूर तरक्की करेगा। एसपी, अमीन भाई साहब की मौत का बेहद अफसोस है भाभी जी। नहीं, मेहरबानी करके ऐसे अशुभ बात अपनी जुबान पर मत लाइए। मेरा दिल कहता है उन्हें कुछ नहीं हो सकता। आप उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं आपके जज्बात समझता हूं भाभी जी। यकीन कीजिए, हमने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन भाई साहब का कहीं पता नहीं चला। बेईमानों ने एसपी साहब से ऐसा बदला लिया कि उनकी लाश को भी क्रियाक्रम के लिए नहीं छोड़ा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं बोलूं, क्या बात है कमिश्नर साहब, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज। एसपी कुंदन सिंह की पत्नी आई थी। हाँ। अपने पति के लिए बहुत तड़प रही थी।
उसकी ये तड़प देखकर दिल खुश हो गया। साला हमें सुधारने आया था, पर एक बात पक्की है ठाकुर साहब, वो मुख्यमंत्री से मिलने जरूर जाएगी, कहीं ये चिंगारी शोला ना बन जाए। कमिश्नर साहब, हमें इन चिंगारियों और शोलों से खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है। चल पहले एक एक बियर मार लेते हैं। चल जल्दी चल। तू भी कमाल करता यार। चल हो जाए पार्टी। हाँ देखो, तुम हमेशा टेंशन में रहते हो। सर तुम यू शुड एंजॉय योर लाइफ, हमारे साथ रहोगे तो जिंदगी में ऐश करोगे, समझे? How sweet! Oh, cigarette! Hmm? Thanks, Dad. तुम होशियार रहना, किसी को ऊपर मत आने देना, समझे? ओके ओके। ठीक है ना? हाँ ठीक है, जरा उधर भी ध्यान रखना। अच्छा ला यार सिगरेट निकाल, एक एक कश लगाते। हाँ यार बहुत तलब लग रही है। अब तक तो कोई खतरा नहीं है। हाँ आजा। मेरे क्या मालूम, अपने सिवा है कौन यहाँ? मेरे कुछ मालूम नहीं भाई। तो लड़ना मत, क्या क्या बात तेरी? लग जा ड्यूटी पर, ठीक है? और फिर वो चला गया। मैं भी हो लिया उसके पीछे पीछे। अब मैंने उसके पागल हो गए। चलो अंदर।
गिली 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 पास आ गिली गिली पास आ गिली गिली याहू 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 आज क्या मल रहा अभी तक ना अरे काय को झगड़ रहे हो सबर नाम की कोई चीज है कि नहीं यार सबर कर अरे यार कुत्ता भौंकने की आवाज आ रही उधर से कुत्ता हाँ कहाँ है कुत्ता अभी आवाज आई थी उधर से अबे तू ही दिन भर बकबक करता रहता है कुत्तों की तरह भौंकता रहता है चल 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 सिंह हाँ साहब देख जी साहब मैं उधर से होके आता हूँ तू इधर का ध्यान रखना समझ गया ना समझ गया साहब अरे पड़ रहा राजा मैं तो अबे बाजी चल देख क्या रहा तेरी चाल है चल सर विकी सर अबे डाल ना 50 प्राइम अरे यार पता ही नहीं आते बैग चलना मेरा महबूब आजा ये शो बस डर गए ये लो 50 ब्लाइंड मेरा पैसे किसने उठाए यहां से मुझे क्या मालूम क्या मालूम अरे मेरा पैसा यहाँ तुम्हारी हमेशा की यही आदत है जब कभी हारोगे हमेशा कहते हो मैंने पैसे उठाए तुम्हारे तुमने उठाए मेरे पैसे अबे जास्ती बात नहीं करने का मेरे से अरे मेरा पैसा यहाँ से शट अप मैंने नहीं उठाया यार मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा ही नहीं बकवास करता है साला अबे बैठ ना चोर साला मेरे पास बहुत पैसे हैं अबे मेरी जेब से बटुआ किसने निकाला मुझे क्या मालूम मैं क्या चोर हूँ क्या अरे चोरी बटुआ जेब से निकाल के बोलते है मैं कोई चोर हूँ चोर कह के मुझे मारता है मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा अरे कहाँ भाग रहा है साले चल तेरी चाल है हाँ अरे यार इतना भी क्या बुरा मान गए मैं आदमी से बंदर बन गए बंदर Yeah!
ज्योति, ज्योति देख मैं आ गया हूं। हाँ उठ लो। ऐसे क्या दिख रही है? क्या हुआ तुम्हें? तू बोलती क्यों नहीं? मुझे पहचानती नहीं? मैं कुंदन। ज्योति 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 क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ ज्योति? नहीं ज्योति, ज्योति आपको मालूम है मेरा दिल बोल रहा था, आपको कुछ नहीं होगा। ज्योति तेरी दुआएं मेरे साथ हैं, तेरा प्यार मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुंदन सिंह, अरे कुंदन ये जख्म तो भर जाएंगे सर, लेकिन उन जख्मों का क्या होगा जो भारत मां के सीने पर लगे हैं? जब तक इस देश में कुंदन सिंह जैसे अफसर मौजूद हैं, भारत मां के सीने पर एक खराश नहीं आ सकती। कुंदन, मुझे बहुत अफसोस है यह सब कुछ हुआ। मुझे यहां स्टेट में शांति चाहिए, चैन चाहिए, सुकून चाहिए। एज चीफ मिनिस्टर मैं तुम्हें फुल पावर देता हूं, तुम शांति के लिए जो करना चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर, आई विल डू माय बेस्ट टू फिनिश देम। आई विल फिनिश देम।